नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं कि आप WhatsApp ग्रुप की क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं और कैसे इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, WhatsApp ग्रुप क्रिएट करके हम अपने सभी फ्रेंड के साथ एक जगह पर कनेक्ट रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भी ग्रुप में ऐड होना पसंद नहीं करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई ग्रुप में ऐड कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई WhatsApp पर ग्रुप बनाकर ऐड ना कर सके, तो इसके लिए आपको WhatsApp पे एक छोटी सी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको WhatsApp ओपन करना है और टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको प्राइवेसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी के अंदर दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रुप्स। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ग्रुप्स के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स। तो दोस्तों, अभी ये एवरीवन सेलेक्ट है, यानी कि हर कोई मुझे ग्रुप बनाकर ऐड कर सकता है WhatsApp पर, चाहे वो फ्रेंड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो या फिर कोई अननोन पर्सन हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके WhatsApp कॉन्टैक्ट है वही आपको कोई भी ग्रुप बनाकर ऐड कर सके, तो इसके लिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माय कॉन्टैक्ट। इसके बाद सिर्फ आपके फ्रेंड ही आपको WhatsApp पर ग्रुप बनाकर ऐड कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी आपको WhatsApp पर ग्रुप बनाकर ऐड ना कर सके, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर कोई अननोन पर्सन, तो इसके लिए दोस्तों आपको नो बॉडी के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कई बार हम WhatsApp पर ऐसे ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं और उसमें मेंबर भी ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस ग्रुप को डिलीट करना चाहें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम कोई भी ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसे डिलीट कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा ग्रुप है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले अपना WhatsApp ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको उस ग्रुप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ग्रुप के नेम पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डिटेल ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रुप के सभी मेंबर्स और एडमिन की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको इन सभी मेंबर्स को एक एक करके पहले तो डिलीट करना है, और डिलीट दोस्तों आपको सबसे पहले अदर मेंबर को करना है, अपने आप को नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाएंगे और ग्रुप वैसे के वैसे ही रह जाएगा, वो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पहले अदर मेंबर को एक एक करके डिलीट कीजिए। इसके लिए मेंबर के नेम पर क्लिक कीजिए। अब एक पॉपअप ओपन होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रिमूव यूज़र नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक और पॉपअप विंडो ओपन होगी दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपको फाइनली ओके पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से वो मेंबर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको वन बाय वन करके सभी मेंबर्स को पहले तो डिलीट करना है, और उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर बॉटम साइड में एग्जिट ग्रुप का एक ऑप्शन शो होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पर अब आपको फाइनली एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट ग्रुप का। तो अब आपको फाइनली डिलीट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp पर ईजिली कोई भी ग्रुप क्रिएट करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, WhatsApp पर ग्रुप क्रिएट करके आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसे कौन एडिट कर सकता है, कौन कौन उस पर मैसेज भेज सकता है, कौन कौन नहीं। और दोस्तों, अपने अलावा आप किसी दूसरे को भी एडमिन बना सकते हैं और उसे एडमिन एक्सेस दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने ग्रुप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ग्रुप नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको उसकी सभी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ग्रुप सेटिंग। तो जैसे दोस्तों आप इस सेटिंग को ओपन करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एडिट ग्रुप इन्फो, सेंड मैसेजेस एंड एडिट ग्रुप एडमिन्स। तो दोस्तों, जैसे आप एडिट ग्रुप इन्फो पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज हु कैन चेंज दिस ग्रुप
सब्जेक्ट आइकन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ग्रुप के नेम और प्रोफाइल आइकन, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन कौन कौन चेंज कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं अभी ये ऑल पार्टिसिपेंट्स पर सेट है, तो दोस्तों ग्रुप एडमिन के साथ साथ सभी मेंबर भी इन सभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एडमिन ही इन सब चीज़ों को चेंज कर सके, अदर मेंबर नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ओनली एडमिन्स के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब ग्रुप सेटिंग में दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है वो है सेंड मैसेजेस। जैसे आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज हु कैन सेंड मैसेजेस टू दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप में कौन कौन मैसेज भेज सकता है। तो दोस्तों अभी ये यहाँ पर ऑल पार्टिसिपेंट पर सेलेक्ट है, तो हर कोई मेंबर और ग्रुप एडमिन इसमें मैसेज भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एडमिन ही इसमें मैसेज भेज सकें और कोई मेंबर नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ओनली एडमिन्स के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रुप एडमिन के अलावा कोई भी इस ग्रुप में मैसेज नहीं भेज पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट सेटिंग है यहाँ पर एडिट ग्रुप एडमिन्स, तो दोस्तों अपने अलावा आप अदर ग्रुप मेंबर्स को भी एडमिन बना सकते हैं अपने साथ और उनको एडमिन एक्सेस दे सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों ग्रुप मेंबर यहां पर आपको शो हो जाएंगे। तो जिस ग्रुप मेंबर को आप एडमिन बनाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से दोस्तों आप कितने भी यूजर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं। अदर ग्रुप एडमिन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको बॉटम राइट साइड में ये राइट के आइकन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा ग्रुप एडमिन भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।